हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में हमको मानव जीवन प्राप्त होने के बाद हमारा जीवन हमेशा अनेक प्रकार के कार्यों में लिप्त रहता है और हम हमेशा जीवन पर्यंत अपनी कर्तव्य निष्ठता और कर्मशीलता के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और समर्पण की सबसे बड़ी भावना मानव में होती है। मानव ही अपने समर्पण की भावना से अपने जीवन को अच्छी प्रकार व्यतीत करने के लिए इस प्रकार की दिनचर्या बनाता है और अपनी दैनिक प्रक्रिया को बनाता है, अपने कर्तव्य में निष्ठ रहता है, अपने कार्य में संलग्न रहता है और जो उसकी मूल आवश्यकताएँ रहती हैं उन मूल आवश्यकताओं को मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों को जुटाता है। दोस्तों, इसी संदर्भ में आज प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमको जैसे हमारा बचपन होता है, युवावस्था होती है, किशोरावस्था होती है और उसके बाद गृहस्थाश्रम में हम जाते हैं और उसके बाद जो है जब हम दोस्तों हमारी उम्र आगे चलते चलते जब हम 60 वर्ष के पार हो जाते हैं तो हम बुढ़ापा की तरफ अग्रसरित होते हैं। तो वृद्धावस्था जिसको कहते हैं, तो वृद्धावस्था या बुढ़ापा में भी हम अपने मानसिकता को कैसे सक्रिय रखें। अनेक प्रकार के वैज्ञानिक हैं, अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, अनेक प्रकार के विचारक हैं जो इस बारे में अनेक प्रकार के कथन कहते हैं, भाव कहते हैं, विचार कहते हैं, कैसे हमें अपने जीवन को संयमित रख के, सक्रिय रख के अपनी मानसिकता को, जब तक जीवन है तब तक मानसिकता को जीवित रखना चाहिए और उसी मानसिकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोस्तों, आयु का श्रवण शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या हमारे मस्तिष्क में बार बार ये आती है कि जो हमारी स्मरण शक्ति होती है, जैसे जैसे हमारी आयु आगे बढ़ती है कि उस स्मरण शक्ति का हमारी आयु के साथ क्या संबंध है। यदि इस प्रकार का भाव है तो किस प्रकार का है और क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ मेघा शक्ति जो हमारी याददाश्त है वो हमारी घट जाती है या स्मृति हमारी कमजोर होती है। इन चीज़ों को हमको अपने भाव में रखना। कोई कहता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति और स्मृति शक्ति जो है हमारी कम होने लग जाती है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में दोस्तों, हम अगर अनेक मनोविज्ञान और विज्ञान में परस्पर अनेक प्रकार के टकराव की स्थिति देखते हैं और दोनों ही मान्यताओं में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कथन हमारे सामने प्रतीत होते हैं। मनोवेताओं का मानना है कि आयुष्य या याददाश्त पर सुनिश्चित असर पड़ता है, जबकि शरीर शास्त्र जो हमारा शरीर का शास्त्र बोलता है कि अवधारणा इससे ठीक उल्टी है। वह कहते हैं कि इसका तर्क है कि नई मशीनें भी निष्क्रिय पड़ी रहने पर बेकार बन जाती हैं। अगर हम नई इन मशीनों का भी सही से सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो भी बहुत ही यानी उसका दुरुपयोग करेंगे, उसको सही ढंग से नियमित रूप से नहीं उसका उपयोग करेंगे तो वो भी बहुत जल्दी खराब हो सकती है, तो वो भी बेकार पड़ी रहती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, मस्तिष्क है उसका जो उसमें याददाश्त की कमी आ जाती है, यदि स्मृति की कमी महसूस हमको होती है तो इसका कारण बढ़ती वही नहीं अकर्मण्यता की ही माना जाता है। हम धीरे धीरे कर्म करना अपना बंद कर देते हैं। जैसे जितना हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, कर्म करते करते हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं और अनेक प्रकार के हमको याददाश्त रखने की उतनी क्षमता रहती है। जब तक हम कार्यरत रहते हैं तो हम हर चीज़ को अपने मन में ध्यान रखते हैं, इसको रखना चाहिए, लेकिन जब हम उस अपनी एकाग्रता को भूल जाते हैं, जो नियमबद्ध तरीके में हम जीते हैं उसको हम छोड़ देते हैं तो वह हमारा धीरे धीरे क्षीण होने पड़
लगती है। तो मैंने मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हर वस्तु को अपनी आयु और सीमा होती है, ये मनोवैज्ञानिकों का कथन है, जिसे पार करने के उपरांत तो उनकी क्षमता प्रभावित होने पाए। अगर वो अपने अपने समय को पार कर लेते हैं और तो निश्चित है कि उसमें कमी आ जाती है। तो जब हम सूक्ष्म रूप से दृष्टि दोनों तरफों पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो मानते हैं कि दोस्तों इतने पर भी तथ्य यही हमारे सामने प्रकट होते हैं कि मानसिक क्षमताओं का ह्रास शारीरिक सामर्थ्य की तरह नहीं होता है। जिस प्रकार हमारे शारीरिक सामर्थ्य धीरे धीरे कमज़ोर होती है, लेकिन मानसिक क्षमता हमारी इतनी कमज़ोर नहीं हो पाती है। ये सिद्धकर्ता और वैज्ञानिकों का ध्यान है। विज्ञान के आधुनिक संसाधनों ने भी यही सिद्ध किया है। जो आधुनिक तकनीक है उसमें भी इसी बात को बार बार देखने मिलता है जब हम उसका अध्ययन करते हैं। और सिद्ध किया है, कहा भी है कि सर्वसाधारण में ही अवस्था थोड़ा इस प्रकार से हो जाता है कि आदमी अपनी वास्तविकता को भूल जाता है और वस्तुतः वह मनोवैज्ञानिक दीन ही है। और वास्तविक रूप से अगर हम देखें दोस्तों, दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं होता है शरीर से। और विशेषज्ञों का कथन है कि मनुष्य में जैसे जैसे वृद्धि और समृद्धि के लिए जिम्मेदार जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है, तो जब तक इस हिस्से में किसी प्रकार की कोई स्थायी क्षति नहीं पहुँचती, सेरिब्रम जो कहते हैं हमारे मस्तिष्क में, सेरिब्रम एक ऐसा चीज़ होता है जो मस्तिष्क को की याददाश्त को पूरा जो है समाहित किया जाता है। तो अगर उसमें किसी प्रकार का कोई भले हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, हमारा हाथ पैर कमजोर हो सकता है, लेकिन वह जब तक स्थूल रहेगा उसमें शक्ति रहेगी, क्षमता उसमें रहेगी, तो हमारे मस्तिष्क में कोई भी असर नहीं पड़ता है, ऐसा वैज्ञानिकों का तर्क है। दोस्तों इस प्रकार से जिसमें शुरू से ही अंत तक कोशा विभाजन नहीं होता है, होता है तो मात्र इतना कि तंत्रिका जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं 1000 किलोमीटर की हमारी तंत्रिकाएं होती हैं पूरे शरीर के अंदर, और आयु के साथ साथ आकार प्रकार और क्षमताओं में कभी उसमें अभिवृद्धि होती जाती है और अबोध बालक होता है, शिशु से किशोर बनता है, किशोर से वयस्क बनता है, वयस्क से प्रौढ़ बनता है, इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। हम क्रम से वह अपनी हर क्षमता को हर योग्यता का अनुभव बढ़ोतरी ही करना होता है, तो कमी मात्र इतनी भर होती है कि दोस्तों उसका आरंभिक स्वरूप यथावत बना नहीं रह पाता है, जो प्रारंभ का स्वरूप है वह यथावत नहीं बना पाता है। तो जैसे बोनापन है, घटना मिटना, घटता मिटना है, और व्यापक विस्तार है और ग्रहण करना है, या विस्तार चाहे कलेवर में हो या विचारशीलता में है, या विस्तार चाहे कलेवर में हो, विचारशीलता में हो, अनुभव संपादन में हो, अथवा मस्तिष्क में के संबंध में हो, तो यही बात लागू होती है। तो दोस्तों यह अपनी इकाइयों के संख्यात्मक विस्तार की तुलना में गुणात्मक वृद्धि करता है। यानी विकासवाद का यह नियम ही है कि दोस्तों जिन अंगों का जितनी अधिक सक्रियता होगी उसका विकास भी उतना ही उत्तम होगा, और समय और परिस्थिति के अनुसार जितना हम सुदृढ़ चले होते जाएंगे, पहलवान इसी आधार पर अपनी देह को सुंदर सुदृढ़ बना लेते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं रात दिन खेलते रहते हैं तो उनका उनके अंगों में इतनी सुदृढ़ता आ जाती है। तो अनेक प्रकार के जो हमारे अध्ययनों से हमें यह अवगत होता है कि दोस्तों दिमाग बराबर किसी न किसी कार्य में नियोजित है, हमारा मस्तिष्क कहीं ना कहीं अवश्य यानी मस्तिष्क का संचालन चलता रहता है। तो
तो उतनी ही बड़ी चढ़ी हुई क्षमता हमारे अंदर बढ़ती जाती है। तो जब हम अनेक प्रकार के जैसे मस्तिष्क पर हुए अनुसंधान, कितने प्रकार के अनुसंधान हुए, उनसे हमें पता चलता है कि तंत्रिका कोशिकाएं विशेष रूप से आकार में बड़ी थीं। और दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि मस्तिष्क की जो कोर्टिकल परत होती है, कार्टिकल परत होती है, वह काफ़ी मोटी थी। और इसके अतिरिक्त अन्य संरचनाएं सामान्य मस्तिष्क जैसी ही होती है। तो जानने योग्य तथ्य यह है कि दोस्तों, आरंभ से ही वे बड़े जो इस प्रकार के लोग होते हैं, वह बड़े अजीब टाइप के लोग होते हैं। तो प्रत्येक अगर हम एक विद्यार्थी के जीवन से लेकर के उसके तंत्रिका तंत्र के बारे में पूरा मनोवैज्ञानिक तथ्य निकालें, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग संरचनाएं होती हैं, उसी के अंदर उनका मस्तिष्क भी काम करता है। तो तंत्रिका विज्ञानी जो होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, तंत्रिका विज्ञान शास्त्री होते हैं, बुद्धि का सीधा संबंध जिनका कार्टेक्स से बनता है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि दोस्तों, आरंभ में दिमाग का यह हिस्सा उतना विकसित नहीं होता है, किंतु बार बार की और अपेक्षा अपमान के कारण संभवतः ये शुद्ध हो उठे, और उसके बाद उससे संबंधी जो मानता वो झूठा साबित करने के लिए तत्पर हो गए हूँ। तो मानसिक सक्रियता बढ़ी तो धीरे धीरे उनकी क्षमता में भी विकास आरंभ हुआ, और जिसको चरम परिणतिया मूर्धन्य मस्तिष्क के रूप में सामने आया, और वे प्रख्यात जो विज्ञान शास्त्री थे बन गए। तो ऐसी स्थिति में यह कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं कि दोस्तों, आयुष यानी आयु के साथ साथ स्मृति घटती है। तो ऐसे में इसे एक मनोवैज्ञानिक भ्रम कहना भी ज़्यादा उचित नहीं होगा, यानी जिसकी बाद में योगों द्वारा पुष्टि भी अनेक प्रकार से पुष्टि की गई है कि हमारा मस्तिष्क में आयु का कोई भी संबंध नहीं होता है। तो वृद्धावस्था में इतनी दृढ़ मान्यता बना लेते हैं कि स्मृति में न्यूनता न आने के कारण बावजूद उन्हें ऐसा अनुभव होने लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ उनकी स्मरण शक्ति घट रही है। तो वस्तुतः प्रायः दोस्तों, यह एक पूर्णतः मनोवैज्ञानिक समस्या है। इसे अब मन शास्त्र भी स्वीकार करने लगा है। उनका कहना है कि यदा कदा स्मरण शक्ति का ढीला पड़ जाना और उसके कारण दैनिक जीवन में छोटी छोटी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाना, यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। यह तो बुद्धि संपन्न कहे जाने वाले लोगों के साथ भी घटित हो सकती है। इसका एकमात्र कारण तत्संबंधी प्रकरण में एकाग्रता अथवा अभिरुचि की कमी है। दोस्तों, इसे कोई व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सकता है या उसके बारे में जान सकता है कि किस प्रकार जब हम किसी घटना अथवा बात पर तत्परतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जाता है तो वह उसका विवरण उस रूप में याद नहीं रख पाता है जिस रूप में उसको याद रखना चाहिए। तो ऐसे जो भी प्रसंग हमारे स्मृति में जिम्मेदार स्मृति को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, तो उसे अनेक प्रकार के संबोधनों से हम संबोधित करना चाहते हैं, तो स्मरण शक्ति से जितना कोई लेना देना हमारे स्वास्थ्य से का नहीं, यानी हमारी जितना हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हम जितनी आयु आगे बढ़ते जाते हैं, तो स्मरण शक्ति में कमी आए, यह हमारे मनोवैज्ञानिकों का और मनोवैज्ञानिकों का और जो जीवन शास्त्र के बारे में जानते हैं उनका तर्क नहीं। तो दोस्तों, यह सामान्य बात है। स्थिति गंभीर तब मानी जानी चाहिए जब काम करते करते कहीं कोई व्यक्ति पूरी तरह से विस्मित हो जाए
अगर वह कोई रास्ते में जा रहा है, वह पूर्ण रूप से अपने आप को ही भूल रहा है, तो उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी दशा में विशेषज्ञों की राय लेनी आवश्यक हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में विशेषज्ञों की राय, चाहे हम ज़्यादा उम्र के होते हैं या कम उम्र के होते हैं, उनके लिए भी ये लागू होता है, उनके लिए भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार अब लगभग हमारे पूरे अध्ययन के से यह सिद्ध हो चुका है कि जैसे जैसे वृद्धावस्था सामने आती है, मानसिक क्षमताओं की न्यूनता को भी जो बात की जाती है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उनमें कभी भी न्यूनता नहीं आती। यानी वास्तविकता यह है कि जो जो आयु बढ़ती है तो स्वाध्यायशीलता बढ़ती है, हमारी अध्ययनशीलता बढ़ती है, हमको पढ़ने की इच्छा और लागू होती है जब हम उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। तो अनुभव बढ़ता है, हमारे अनुभव बढ़ते हैं, हमने कितने कार्य किए, उसके बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम उस उम्र में क्या काम करते हैं, तो हमारी अनुभवशीलता बनती है, वही अनुभवशीलता हमारे आने वाली पीढ़ी के कार्य आती है। क्यों क्यों व्यक्ति की स्मरण शक्ति व सोचने की विधि भी परिमार्जित होती जाती है। तो कबीरदास जी ने दोस्तों 120 वर्ष के लिए श्रीपद दामोदर, सात कलेवर और शताधिक आयु जीकर जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 75 वर्ष के बाद ही कर गए थे, ऐसा मैंने कबीरदास के उसमें पढ़ा है। तो जब ऐसा है तो क्यों कर हम अपनी आयुष जो हमारा मस्तिष्क का निष्क्रियता में तथाकथित यानी हम जैसे कोई सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायरमेंट होता है, उसके बाद पूर्णतः अपने को निरर्थक साबित करते हैं, तो जीवन जीते हुए किसी तरह से हम उसको कटाक्ष हमको नहीं करना चाहिए, उसमें किसी का आगा अंतर भेद नहीं करना चाहिए, अपने दैनिक कार्य को करना चाहिए, पढ़ने की लगन बनाइए, जब तक जीवन है सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए, उनका अध्ययन करिए। तो यही बढ़ती आयु के साथ बढ़ती स्मृति व विवेक वृद्धि का सुनियोजित समाज निर्माण के निमित्त होने लगता है। तो जैसे जैसे हम अपनी स्मरण शक्ति को और आगे बढ़ाएंगे और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें, जो चीज़ हमने आज तक नहीं पढ़ी उसका अध्ययन करेंगे, तो निचली हमारी स्मरण शक्ति लगातार बढ़ती रहेगी, तो समाज का कायाकल्प उस समय बड़ी संख्या में बढ़ सकता है। हर एक समाज में चेतना आ सकती है और कोई आदमी निष्क्रिय नहीं होगा और हम अपने को खाली महसूस नहीं करेंगे, और जिसे हमने अनेक प्रकार से अनेक जैसे वार्धक्य के कारण अपेक्षा के गर्त में कोई आदमी चला जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति को दोस्तों वानप्रस्थ परंपरा, परिव्रजा का नवसन्यास और परंपरा का पुनर्जीवन, दूसरा एकमेव समाधान, ताकि हर बुढ़ापा जो जैसे जैसे आयु आगे बढ़ती है व्यक्ति अपने महत्व को पहचाने, अपने मूल को पहचाने, अपने वास्तविकता को पहचाने, अपने अनुभव और विवेक को क्रमशः बढ़ रही स्मरण शक्ति का लाभ समाज को देने के लिए सोच बनाए। तो नहीं ज्यों ज्यों समय काटने तो ज्यों ज्यों अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके खिलाने तक ही अपने को सीमित रखें, उनके पालन पोषण तक ही अपने को सीमित रखें, समाज सेवा करना, नई नई किताबों को पढ़ना, नया नया अध्ययन करना, नए नए शोधों को प्राप्त करना और नई नई चीज़ों को समाज में आलोकित करना, इन प्रकार के भावों में अगर हम लगे रहेंगे तो दोस्तों हमारी स्मरण शक्ति निरंतर आयु के साथ साथ बढ़ती रहेगी। आयु भरेगी हमारी कम होगी लेकिन हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती रहेगी। इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या सीमित मानकर हम तिथि एक निश्चित कार्य तक हमें सीमित रख के अपने दायरे को बढ़ाएं, अपने विस्तार को बनाएं, अपने मन को ऊंचा करें, अपने मस्तिष्क का विस्तार करें, तो बड़ी संख्या का राष्ट्र के नवनिर्माण में, समाज के नवनिर्माण में, स्वयं के नवनिर्माण में, अपने परिवार के नवनिर्माण में सुनियोजित भागीदारी ले सकते हैं, और समय का सही सदुपयोग करते हुए
समय बीत कब चला गया यह हमको मालूम नहीं होना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसीलिए दोस्तों यानी बुढ़ापे में भी रखें, हमें अपनी मानसिकता को सक्रिय रखना चाहिए। अगर हम बुढ़ापे में अगर हमको सक्रिय रखेंगे तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी दोस्तों राम राज्य पृथ्वी पर ईश्वरी कहा जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से राम राज्य एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र है जहाँ अधिकार वर्ण स्त्री पुरुष के विभेद पर आश्रित असमानताएँ तिरोहित हो जाती हैं। इस प्रजातंत्र में भूमि तथा राजसत्ता की अधिकारिणी प्रजा है, ये महात्मा गांधी ने भी कहा है। और हम भी दोस्तों अपने विचारों को अपने जीवन को अपने समय का सही सदुपयोग करके अपने बुढ़ापा के जीवन को भी चिरस्मरणीय बनाने के लिए अपने विचार शक्ति को अपने बुढ़ापा में भी जो है सक्रिय मानसिकता के पाषक बन सकते हैं, अपनी मानसिकता को सक्रिय रख सकते हैं। और किसी भी जब तक हमारा जीवन का रहस्य चलता है तब तक हमारी मानसिक वेदनाओं में किसी प्रकार की कमी न आए, उसके लिए हमें आयु का स्मरण शक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। इसकी सार्थकता को हमेशा जीवंत रखना है, इसी को समाज में इसका प्रचार प्रसार करना है, हर एक मानव के अंदर इस प्रकार के भाव संचित करने हैं ताकि प्रत्येक मानव इस प्रकार को सोचे और कभी भी अपने को अक्षम नहीं समझना चाहिए। सबके मंगल भोग की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में प्रेरणास्पद बातों के रूप में मैंने आज जो बुढ़ापा में भी सक्रिय मानसिकता हर एक व्यक्ति को रखनी चाहिए, इसी से हम अपने जीवन को प्रसन्न चित्त और आनंदमय रख सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इससे हम और जीवन के अनेक शुभ भावों का फला भाव प्राप्त कर सकते हैं।